हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। हालांकि शिमला में आज सुबह से ही तेज धूप खिली हुई है। मौसम विभाग ने 25 और 26 फरवरी तक मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई है। वहीं 27 फरवरी से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 28 फरवरी की रात से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते प्रदेश के मध्य व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 मार्च तक बारिश बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर चला है, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश की झड़ी लगी है। इसके अलावा प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश बर्फबारी के कारण तापमान में आई गिरावट से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। राज्य मौसम विभाग केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि समूचे प्रदेश में 25 और 26 फरवरी प्रदेश के मध्य व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। 27 फरवरी से मौसम खुलना शुरू होगा और 28 फरवरी को मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 28 फरवरी की रात से प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते पहली और 2 मार्च को मौसम फिर से खराब रहने की संभावना है। मेरा नाम है संदीप शर्मा, वैज्ञानिक मौसम केंद्र शिमला। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के बहुत से स्थानों पर मौसम खराब मतलब है अभी, और जो स्नोफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, तो जो अमाउंट वाइज बात करें तो गोंडला में जो पिछले कल 24 घंटों में 10 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है, वहीं किन्नौर में कल्पा में 4 सेंटीमीटर और सांगला में 1 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। आगामी 5 दिनों की फोरकास्ट की अगर बात करें तो अभी प्रदेश में एक एक्टिव WD है, और जिसके चलते पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है, और उसके चलते जो हमारे प्लेन्स और लो हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है, और जो मिड और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर रेनफॉल के साथ साथ जो हायर रिजेज में स्नोफॉल होने की भी संभावना है। 26 तारीख को जो ये पूरे प्रदेश में मौसम खराब होने की संभावना है, फिर 27 तारीख से मौसम में थोड़ी कमी आएगी और 28 तारीख को मौसम खुलने की संभावना है। फिर 28 तारीख की रात से एक एक्टिव WD फिर से वेस्टर्न हिमालय में एक्टिव हो रहा है, और जिसके चलते प्रदेश में 1 और 2 तारीख को मौसम फिर से खराब रहने की संभावना है।